أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون राजधानी एक्सप्रेस कि राजधानी ट्रेन रोक सकते हो जबकि वो बहुत चार पांच स्टेशनों पे रुकती है बकिया पचासों सैकड़ों स्टेशन छोड़ देती है। हाँ हाँ कहा इस छोटे से हाल्ट पर जहां कभी कोई लोकल ट्रेन भी नहीं रुकती यहां भी रोक सकते हो। बोले यहां भी रोक सकते हो, कल देख लेना। अब चुनांचे अपने मेहमान के सामने फख्र साबित करने के लिए वो गया। अब जनाब राजधानी ट्रेन का टाइम हुआ एक्सप्रेस का, अब तूफान की तरह वो आ रही थी, ये लाल झंडी लेके खड़ा हो गया। अब लाल झंडी दूर से, अब जाहिर है ट्रेन करकरा के इतनी तेज रफ्तार, ब्रेक लगाते 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 ड्राइवर परेशान, आके ट्रेन रुक गई और आके ट्रेन हाल्ट पर रोक दी इस राजधानी एक्सप्रेस। थोड़ी देर के बाद उसमें से वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, गार्ड जो होता है पीछे होता ना, वो पीछे ही इतना ब्रेक मार के उसके सामने उसका पिछले ही डब्बा रुका होगा, तो आसानी के साथ उतर के आया वो गार्ड। पैडवान से पूछा क्या बात है, क्या आगे लाइन खराब वगैरह या कोई एक्सीडेंट हुआ? कहा कुछ भी नहीं। कहा लाइन खराब है? कहा लाइन भी खराब नहीं। कहा एक्सीडेंट हुआ? कहा कुछ भी नहीं। तो कहा नालायक फिर क्यों तुमने लाल झंडी दिखा दी? कहता मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरे दिल ने कहा लाल झंडी दिखा दू, रोक दी मैंने। निकाला जूता, दस जूते मारे, दस जूते मारे। कहा मजदूर इतनी हमारा टाइम तूने वेस्ट किया और ऐसी तेरी मर्जी, दस जूते मार के फिर हरी झंडी दिखा लेके चला। तो ये मेहमान जो था साथ में, इसने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई तुम्हारी, हैं तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती, उसने निकाल के दस जूते मारे तुमको, ये कोई इज्जत है? उसने कहा इज्जत उज्जत की बात नहीं है, अबे पावर पावर की बात है। मेरा पावर था मैंने ट्रेन रोक दिया, उसका पावर जूता मारने का था, जूता मार दिया। तो ये पावर पावर की बात है भाई, है कि नहीं? तो ये मुकद्दर मुकद्दर की बात है, किसी के मुकद्दर में जूता खाना है, किसी के मुकद्दर में, किसी के मुकद्दर में कुछ। हमारे मुकद्दर में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह है, हम उसकी दावत और नशोशात करते हैं। और इनके मुकद्दर में जो है मौलाना अशरफ अली साहब तानवी के तालीमात और उनके बयानात हैं, जो नगर नगर ले लेके फिर रहे हैं। अल्लाह इन्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के दावत की तौफीक अता फरमाए। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, अल्लाह इन्हें हमें अपने गले लगाने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें सही मनहज और सही तरीका अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों ये पूरी कोशिश है, यही वजह है, कोई भी मैं समझता हूं तबलीगी जमात ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर नजर जहेज में न देता होगा। बहिश्ती जेवर जरूर उसके घर घर में मौजूद है और तबलीगी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाले जितने भी नए अराकीन हैं, ये किताब तोहफतन उनको पेश की जाती है कि अपने घर में रखो। आइए देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या तालीमात हैं जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी इस किताब में पेश की हैं, जिनको मौलाना इलियास साहब ने बड़ी पसंद फरमाया है और जिनको जो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जो जज रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी बयान दिया है कि औरतों मर्दों और ऊंचे दर्जे के उलमा और फकहा के लिए यह किताब मिशाले राह है। हाँ चुनांचे बहिश्ती जेवर में मौजू और ज़ईफ रिवायात और मनगढ़ंत किस्से और कहानियां अपनी जगह वो तो है ही हैं। दो किस्म के दीनी मसाइल मौजूद हैं, नंबर एक वो मसाइल जो कि कुरान मजीद और अहादीस सहीहा के सराहतन खिलाफ, कुरान मजीद के भी खिलाफ ऐसे मसाइल बयान किए गए हैं और ये दावा है, और ये दावा कोई दावा नहीं ऐसा कि बढ़ हो, नहीं मैं अभी बताता हूं इंशाल्लाह। और अहादीस सहीहा के खिलाफ नंबर एक, नंबर दो
वो मसाइल, नंबर दो वो मसाइल कि जिनके सिलसिले में शरीयत साजी की गई है, यानी न कुरान में है न हदीस में है बल्कि शरीयत बनाई गई है अपनी तरफ से। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आइए, और जबकि हमें यह मालूम है कि इस्लाम में शरीयत साजी का कतान किसी को हक हासिल नहीं है और ना ही उसकी इजाजत है, अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया है, और चुनांचे हमने अभी अभी आप हजरात के सामने वो आयतें और वो हदीसें कोट की हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया है। और आखिर में हम अपने उलमाए मजहब हनफिया से, चाहे वो बी ग्रुप के हों या डी ग्रुप के हों, वो बहिश्ती जेवर लिखने वाले हों या सुन्नी बहिश्ती जेवर लिखने वाले हों, दोनों हनफी हैं, हम दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि मेरे अजीजों, हमारे इस बयान में जो बहिश्ती जेवर के ताल्लुक से हम कोट कर रहे हैं, फ़िक़्ह हनफी के बारे में कोई के मसाइल के बारे में कुरान मजीद की कोई आयत या कोई सही हदीस पेश करें, क्या उनके ये अमाल या लिखी हुई ये बातें कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं, नहीं तो तौबा करो और अल्लाह के लिए अल्लाह के सही दीन की तरफ आओ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत के इत्तेबा की तौफीक अता फरमाए। आइए हम सैर करते हैं इस जेवर की जिसे बहिश्ती कहा गया है, कि इसके अंदर क्या ये बहिश्ती जेवर हैं या नहीं। और जेवर आप जानते हैं उसको कहा जाता है जो आदमी औरतें इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं की मुनासबत से औरतों के लिए किताब लिखी गई है। इसके अंदर कई अकीदे लिखे गए हैं जिसमें एक अकीदा यह भी बयान किया गया है, हम अकीदे से स्टार्ट करते हैं कि वली लोगों को, जो औलिया होते हैं वली लोगों को बाज भेद की बातें जागते में सोते में मालूम हो जाती हैं, इसी को कश्फ और इल्हाम कहते हैं। नबियों पर वही होती है, अंबिया पर वही के होती है, और वलियों पर कश्फ और इल्हाम के जरिए से यह बात मालूम हो जाती है, इसको कश्फ और इल्हाम कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कश्फ और इल्हाम के जो इस्तिलाहात सूफियों ने बनाए हैं, इसे कुरान और सुन्नत में कहां कौन सी जगह, और अगर ये कश्फ और इल्हाम के दरवाजे आप हर ऐरू गरू के लिए खोल दें तो फिर पता चले, तो फिर जितने भी खुराफात आज दीन के नाम पर शिर्क और बिदात हो रहे हैं और तसव्वुफ के नाम पर जो एक अलग से दीन बनाया गया है उसकी क्या हैसियत हो रही है, वो कहां जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ये एक अकीदा इनका यह है, वलियों को कश्फ और इल्हाम से, और कहते हैं आम लोगों को निशानियों से बाज बातें गैब की मालूम हो जाती है। माशाल्लाह, बाज बातें गैब की आम लोगों को निशानियों से मालूम हो जाती है, ये इस बहिश्ती जेवर के अंदर मौजूद है। बड़े बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह के बारे में हम सब जानते हैं, और इसके अंदर अकायद के बारे में मैंने कहा, मैं ज्यादा आज मसले मसाइल के बारे में गुफ्तगू हो रही है, अकायद के बारे में ये तो मुख्तसर है। बड़े बड़े गुनाह आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह कौन से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये है ये है ये। हजरत ने लिखा है किसी का गिला शिकवा सुनना यह भी बड़ा गुनाह है। किसी की शिकवा शिकायत सुनना क्या है, ये बड़ा गुनाह है। औज़ु बिल्लाह, अबे आपके पास कोई शिकवा शिकायत लेके आता है तो आप सुने नहीं, खलास बने सुनते भाई, ये कबीरा गुनाह है, हम नहीं सुनते, कबीरा गुनाह है। ये हजरत का अपना मनगढ़ंत मसला है। इसी तरह कहते हैं कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह यह है अनाज की गिरानी से खुश होना, अनाज महंगा हो गया उससे खुश हो जाना, यह भी कबीरा गुनाह है। यानी अगर आप ताजिर हैं, अगर कभी एक रुपया किलो आज बिक रहा है कल डेढ़ रुपया हो गया, ताजिर खुश हो गया, भाई ये खेत वाला खुश हो गया, अनाज महंगा हो गया चलो बेच दो, ये कबीरा गुनाह है। ये क्या है बोलो, ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का मसला है। कहते हैं बाज औरतें और लड़कियां बदबद के गुड्डे और कोई खेल खेलती हैं, ये भी जुआ है। अरे गुड्डे गुड़िया हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका खेला करती थी, खेलती थी कि नहीं खेलती थी, हमारे नबी की अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने गुड्डे गुड़िया के खेल खेले कि नहीं खेले, गुड्डे बनाती थी। अब वो क्या कहते हैं, एक दफा एक घोड़ा बनाया था उन्होंने, हजरत आयशा ने, उसके पर थे, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में कमरे में दाखिल हुए, देखा उससे खेल रही हैं, तो देखा कि घोड़े को पर लगाई, तो हजरत आयशा से पूछा कि आयशा घोड़ों के भी पर होते हैं, तो हजरत आयशा कहने लगी क्यों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर नहीं थे। आप हंस दिए, यानी ये बचपन वाली बात है, बच्चों की बात है। वो कहते हैं वो भी कबीरा गुनाह है, औज़ु बिल्लाह। यानी ये देखें आप, अब आइए जरा एक दो मसले मसाइल के ताल्लुक से। कहते हैं वजू करने वाली को, ये औरतों के लिए लिख रहे हैं ना, वजू करने वाली, मेरी माओ बहनों ये जो मैं मसले बयान कर रहा हूं तुम खास तौर से ये ना समझना, ये कोई जब तक मैं हां या नहीं ना करूं जब तक नहीं समझना, तुम जो मैं मसले बयान करूं तुम समझो शरीयत का मसला, ये शरीयत का मसला नहीं बयान कर रहा हूं मैं, ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने बहिश्ती जेवर में जो लिखा है मैं उसका ऑपरेशन कर रहा हूं।
और यह बतला रहा हूं कि यह कुरान सुन्नत के खिलाफ है, कुरान सुन्नत में नहीं है। चुनांचे लिखते हैं अपनी किताब बहिश्ती जबर के अंदर कि वजू करने वाली को चाहिए कि वजू करते वक्त किबला की तरफ मुंह करे। अल्लाह के नबी ने कहीं बतलाया? बोलो, कुरान में कहीं है कि वजू करते वक्त किबले की तरफ रुख करो? फिर हकीमुल उम्मत साहब, आपको कैसे मालूम हुआ ये कहां से आपने उम्मत के ऊपर ये बोझ डाल दिया और मेरी माओ बहनों के ऊपर ये, और हमारे ऊपर भी किबले की तरफ रुख? नमाज पढ़ने के लिए किबला जरूरी है, नमाज पढ़ने के लिए कि वजू करने के लिए भी किबला जरूरी है। सुनो, कहते हैं कि वजू में उंगलियों की पुश्त की तरफ से गर्दन का मसा करे। ये उंगलियों की पीठ है, पुश्त, इसकी तरफ से मसा करे गर्दन पे। ये कहां? ये अल्लाह के नबी ने फरमाया? कहीं नहीं है। जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, कहीं ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं, बल्कि गर्दन पे मसा साबित ही नहीं है सही हदीसों से अल्लाह के रसूल साहब, चाहे मर्दों के लिए हो या औरतों के लिए हो। जो आला हजरत ने हकीमुल उम्मत ने औरतों के लिए लिखा है। और आगे बढ़ो, कहते हैं वजू में बाज बातें ऐसी हैं कि उनके छूट जाने से वजू हो जाता है, ऐसी चीजों को सुन्नत कहते हैं। सुनो, ये फिक्र है, फिक्र, ये बहिश्ती जेवर है। ये कौन सा जेवर है? वजू में बाज बातें ऐसी हैं जिनके छूट जाने से वजू हो जाता है, उसको सुन्नत कहते हैं। इनका काम ही है सुन्नतों से छुड़वाना और अकवाल और आरा और कयास के ऊपर उम्मत को ले जाना। सुनो, और बात चीजें ऐसी हैं कि ना करने से कुछ गुनाह नहीं होता और ना शरीयत में उनके करने की ताकीद आई हुई है, ऐसी बातों को मुस्तहब कहते हैं। चुनांचे तरीका बता रहे हैं, कह रहे हैं पहले गट्टों तक दोनों हाथ धोना, बिस्मिल्लाह करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, सारे सर का मसह करना, कानों का मसह करना, हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, ये सब बातें सुन्नत हैं। यानी अगर ये छूट जाएं तो वजू, बोलो, हाँ, हो जाता। कुल्ली उल्ली ना भी करो जब भी वजू। सुनो, और इसके सिवा, और वजू में फर्ज चार चीजों के सिवा जो और बातें हैं वो सब मुस्तहब हैं। वो सब क्या हैं? यानी इसमें गर्दन का मसा भी चला गया मुस्तहब में, तो खामखा काय को इसको मुस्तहब चीज को झगड़ा बनाया हुआ लोगों ने। आज गर्दन की मसा ना करो तो लड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, मुनाजरे करते हैं। मैंने कहा मुस्तहब है, खुद हजरत फरमा रहे हैं तो क्यों छोड़, अगर छोड़ दिया तो क्यों लड़ रहे हो भाई कि वजू नहीं। यहां तो हजरत इजाजत दे रहे हैं कि सुन्नत भी छूट जाए तो वजू क्या हो जाता है? सुनो, क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। कहते हैं कि जब ये चार वजू जिनका धोना फर्ज है धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा। वजू का कसद इरादा हो या ना हो, खलास, नियत करो वजू की चाहे ना करो, वजू हो जाएगा। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा लेवे और वजू ना करे, या हौज में गिर पड़े, या पानी बरसते में बाहर खड़ी हो जावे और वजू के याजा धुल जावे, तो उनका वजू हो जाएगा। यानी बारिश हो रही है और निकल गई यार बाहर ठंडी हासिल करने के लिए, चाहे उसने इरादा किया ना किया, वो नमाज उसी से पढ़ सकती है, उसका वजू, या जाके हौज में गिर गई, उसका वजू हो गया। कहते हैं सुनो, अगर कोई उल्टा वजू कर ले, अगर कोई उल्टा वजू कर ले, देखो वजू कर ले यानी पहले पांव धो डाले, फिर मसह कर ले, फिर दोनों हाथ धोवे, फिर मुंह धो डाले, या और किसी तरह उलट पलट कर वजू कर ले, तो भी वजू हो जाता है, तो भी वजू। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर अदलो इंसाफ है, मैं ये कहता हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वजू किया है कि पहले बिस्मिल्लाह, पहले दिल का इरादा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर गट्टे, फिर वो तरतीब जो अल्लाह के नबी ने बतलाई है, उस तरतीब से वजू करो, ये सुन्नत है, इसी तरतीब से वजू करना चाहिए और इसी तरह वजू करना चाहिए, यही हक है, यही नबी की सुन्नत है, तो हमसे कहा जाता है ये गैर मुकल्लिद हैं, ये बद मजहब हैं, ये इस्लाम को नहीं समझते, ये गैर फकीह हैं, इनको फकह से दुश्मनी है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये नबी ने सीधा दीन बतलाया है, तुम्हें उलट पलट करने की इजाजत किसने दी? फितने तुम फैलाओ, चोर दरवाजे तुम खोलो, फसाद तुम पैदा करो, और कहते हो कि तकलीद न करने से फसाद पैदा होता है। ये बोलो, इत्तेबा करने से फसाद पैदा होता है या तकलीद करने से फसाद पैदा होता है? बोलो, तकलीद करने से फसाद पैदा होता है। बिगाड़ा दीन को किसने? नबी ने सीधा बयान दिया, वजू इस तरह से करो, वजू इस तरह से करो मेरे सहाबा,
सहाबा उसी तरह वजू करते रहे। लेकिन आजकल के ये फकीह पैदा हुए, अपने आप को मुहद्दिस, अपने आप को जो है सबसे बड़ा इमाम और हकीम उम्मत कहने वाले, इन्होंने उलट पलट दिया। पैर धुल लो फिर कुल्ली करो ना करो, पैर धुल लो मसह कर लो फिर बायां हाथ धुल लो फिर दायां हाथ धुल लो और फिर चेहरा धुल लो, वजू हो जाता है। अल्लाह के नबी ने बतलाया, बोलो हम तुम्हें सही दीन बतलाएं। तो ये मौलवी चारों तरफ फड़फड़ाता है, बकता है कि जनाबे अली ये दीन में फसाद पैदा कर रहे हैं, ये गैर मुकल्लिद लोग हैं, ये इमामों को नहीं मानते फलाने को। अरे भाई अगर ये दीन मनवाना है तो हम ऐसे दीन को नहीं मानते, अपने नबी का सीधा अमल छोड़कर तुम्हारे मौलवियों के ये बिगाड़े हुए दीन पे हम अमल क्यों करें भाई? कोई जबरदस्ती है? बोलो है कोई जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, दीन को तुमने बिगाड़ा है, हमने दीन को बिगाड़ने से लोगों को हमने कहा जिस तरह नबी ने किया है उस तरह करो, नबी से खिलाफ बगावत, बोलो सही है कि नहीं है? ये दीन है, ये बहिश्ती जेवर है ना? ये बहिश्ती जेवर नहीं है, ये फसादी जेवर है। ये कौन सा जेवर है? ये डुप्लीकेट है, असली नहीं, ये नकली है। कहते हैं इसी तरह अगर बायां हाथ बायां पांव पहले धोए तब भी वजू हो गया, लेकिन मुस्तहब के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ है? मुस्तहब। सुनो ये भी सुनो, हर वजू के यानी हर जिस्म के हिस्से को धोते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ा करे। हमने कहा ये कोई इल्हाम हुआ है, कच हुआ है, इसीलिए ये चोर दरवाजे खोले गए हैं कि जब चाहो, जब दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अपनी मर्जी से दीन मत बनाओ। अल्लाह के नबी ने ये नहीं हुक्म दिया क्या लोगो, हाथ धुलते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ो, मुंह धुलते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ो, कुल्ली करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह कलमा पढ़ो, नाक में पानी डालते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ो, है ऐसा हुक्म? ये तुमने बनाया है, बोलो सही है या गलत है? ये सरासर सही गलत है। इसी तरह कहते हैं जब वजू कर चुके तो सूरह इन्ना अंजलना पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? जब वजू कर चुको तो क्या करो? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अजअल्लाहु मजअल्ली मिनत तवाबीन व अजअल्ली मिनल मुततहिरीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये दुआ पढ़े कयामत के दिन अल्लाह जन्नत के आठों दरवाजों को खोल देगा और कहेगा जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो चले जाओ। और आला हजरत हकीमुल उम्मत क्या फरमा रहे हैं? हकीमुल उम्मत क्या फरमा रहे हैं? अब बताओ किस हकीम की बात मानोगे? उस हकीम को जो वाकई असली हकीमुल उम्मत था, जिसे अल्लाह ने हकीम बना करके भेजा था, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये हिंदुस्तानी हकीम, बोलो ये इंडियन हकीम जो कह रहा है सूरह इन्ना अंजलना पढ़ो, किस दलील से तुम कह रहे हो सूरह इन्ना पढ़ो? क्यों उम्मत को वो तालीम देते हो जो उम्मत ने, जो उम्मत के नबी ने उम्मत को, अपनी उम्मत को हुक्म या तालीम नहीं दी? कहते हैं जब एक दफा वजू कर लिया और अभी वो टूटा नहीं तो जब तक उस वजू से कोई इबादत न कर ले उस वक्त तक दूसरा वजू करना मकरूह और मना है। औजु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे। मैं कहता हूं इमाम साहब भी बरी। खैर अब मैं जरा तबसरा नहीं करूंगा, तबसरा करूंगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुनो वजू को तोड़ने वाली चीजों का बयान। कहते हैं किसी की आंख के अंदर कोई दाना वगैरह था वो टूट गया या खुद उसने तोड़ दिया तो अगर आंख के बाहर पानी निकल पड़ा तो वजू गया। वजू गया, टूट गया वजू। अब रो भी मत वजू बनाकर। अल्लाह के नबी सहाबा नमाज में रोते थे, अजीजिल मिर्जल हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी नमाज में ऐसे रोते थे और इस तरह आवाज आती थी जैसे खोलती हुई हांडी के अंदर आवाज आती, आंसू से तरबतर हो जाते थे। ये कहते हैं दाना हो टूट गया या तोड़ दे तो आंखों में दाने कोई तोड़ेगा नमाज में या वजू में? बोलो। खैर ये इस दौर के फकीह हैं जो चाहें, जो चाहे आपका हुस्ने करी। कहते हैं किसी ने जोंक लगवाई, जोंक जानते हो? जोंक, जोंक जानते हो? यूपी वाले जानते होंगे, हमारे यहां खेतियों में जोंक लगती है। जब जड़हन ओढ़न बोया जाता है, बिठाया जाता है, रोपाई होती है धानों की, तो उन मट्टियों में इतने बड़े बड़े जोंक होते हैं, इतने बड़े बड़े, और भैंसों को भी लगते हैं। पंजाब वाले भी जानते होंगे, भैंसे चराने वाले, हमने चराई है भैंस वगैरह, भाई भैंसों को चराते हैं और भैंसें कीचड़ों में पलटी मारती हैं, बैठी रहती हैं, उनको मोटे मोटे जोंक लग जाते हैं कि नहीं? वो बड़े खतरनाक, देख के तो गर्म जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते। कहते हैं किसी ने जानबूझ के जोंक लगवाई, इतना खून भर गया कि अगर बीच से काट दो तो खून बह पड़े तो वजू जाता रहा, और अगर इतना नहीं पिया है बल्कि कम पिया है तो वजू नहीं टूटता। लो ये कौन सा मसला है और कौन सी शरीयत? कहते हैं किसी के कान में दर्द होता है और पानी निकला करता है तो ये पानी जो कान से बहता है ये नजिस और नापाक है। कान से जो पानी निकलता है ये क्या है?
नजीस और नापाक है। अगर कुछ फोड़ा या फुंसी ना मालूम होती हो बस उसके निकलने से वजू टूट जाएगा, जब कान के सुराख से निकलकर उस जगह तक आ जावे जिसका धोना गुसल करते वक्त फर्ज है, तो उस वक्त वजू कान से अगर पानी निकले तो वजू क्या हो जाता है, बोलो, टूट जाता है। कहते हैं अभी औरतों का मसला, कहते हैं अगर छाती से पानी निकलता है और दर्द भी होता है वो भी नजिस है, उससे भी वजू टूट जाता है। अब अगर कोई दूध वाली बेचारी औरत हो अपने बच्चे को दूध पिला ले तो वजू गया उसका, समझो यही मसला हुआ ना, यानी वजू बनाने के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। बहरहाल इस मसले में बहुत बहुत मसाइल हैं, मैं उन मसलों से आगे बढ़ता हूं और आगे आपको लेके चलता हूं। गुस्ल का बयान, कहते हैं औज़ु बिल्लाह, बहरहाल माजरत के साथ भाइयों दोस्तों, मैंने किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम बतला दी और आखिर में भी असली बहिश्ती जेवर का मैं तज़किरा करके अपनी बात खत्म करूंगा। बीच में ये भर रहा हूं मैं वो मसाइल जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, इसलिए रखियो गालिब मुझे इस तलख नवाई पे माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। आज ये मेरा मजहब नहीं, ये मेरा दीन नहीं, ये मैं लिखी हुई बातें बयान कर रहा हूं और अपनी तरफ से इजाफा या कमी नहीं है। माफ करना मेरी माओ बहनों, अगर तुम्हारी तबय खातिर को तकलीफ होगी, मैं पहले से माजरत चाहता हूं क्योंकि ये हकीम उल उम्मत की पुड़िया है, इसमें बड़ी उरियानियत और हयासोज की बातें आएंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तबसरा कर लेना, मुझे माफ रखना मेरी बेटियों और मेरी बहनों और मेरी माओ, तो इसलिए ये आ रही है बात तो मैं बयान कर देना मुनासिब समझता हूं ताकि उम्मत मुस्लिमा गोश बराबाद होकर इस किताब से बरात का इजहार करे, जो किताब इस तरह के मसाइल और हयासोज और नंगे मसाइल से भरी पड़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह। हम कहते हैं, बाज लोग कहते हैं कि कुरान, एक मौलवी तकरीर कर रहा था, हमारे यहाँ बेंगलोर का मौलवी है, वो तकरीर कर रहा था, कहता है तुम्हें फिकह हनफी में कोक शास्त्र नजर आते हैं, बाज मौलवी कहते हैं कि कोक शास्त्र है, अरे वो मसले बयान किए गए हैं, इम्मा ने बयान किए हैं ताकि तुम लोग उस मसले में न पड़ो। हमने कहा वो मसला पैदा भी हुआ या पहले से बयान कर दिया? अरे हजरत उमर का दौर होता तो दुर्रे मारते, क्यों? इसलिए कि हजरत उमर कहते थे जब कोई मसला पैदा हो तब फतवा दिया करो, मसला बना करके मत दुनिया के अंदर पेश किया करो। जिस तरह वो बुरा करना जुर्म है, इसी तरह बुरे मसाइल बनाकर उसके ऊपर फतवा देना भी क्या है, बोलो, जुर्म है। जब हो जाए तब बात हो तो बात अलग है, जब हुआ ही नहीं तो गोया तुम दुनिया को एक फिक्र दे रहे हो, एक जहन दे रहे हो, एक दिमाग दे रहे हो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी हो जाए, ये भी होता है, हो जाना चाहिए। अब नहीं, जिसके दिमाग में है वो भी कर ले। एक कुछ लोग ठंडियों के जमाने में हमारे यहां आंगनों में बाहर सालों में बैठ करके क्या करते हैं, वो अंगेठी लगाकर आग तापते हैं, गांव और देहात के लोग, आप लोग जानते होंगे, हम भी देहात के रहने वाले हैं, आग तापते हैं 10-15 आदमी बैठकर। तो वहां पर बैठे हुए थे, बैठे आग ताप रहे थे, अब आग वो बुझ उझ गई तो देखा उसमें बीड़ी उड़ी भी पीते रहते हैं बुढ़े बैठ कर, धुक 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 पीते। तो उसमें एक पागल, उसमें एक लड़का था, उस लड़के से कहा जा माचिस लेके आ जा, कहा क्यों, कहा बीड़ी बीड़ी पीना है, माचिस लेके आ जा। वो जा रहा था माचिस लाने तो एक दूसरा बोलता है, यार वो पागल आदमी, उसको तुमने माचिस लाने के लिए कह दिया, कभी किसी के छप्पर में आग ना लगा दे। तो उसको कहा देखना भाई, किसी के छप्पर में आग ना लगा देना, किसी के छप्पर में आग ना लगा देना। तो वो जाते जाते क्या बोलता, पहले तो मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी, तूने मुझे याद दिला दिया। हाँ वाह, ऐसा होता है, आदमी के फहम में भी वो बात नहीं होती लेकिन आदमी खोद कर बयान करके उसे हौसला दे देता है, याद दिला देता, कहा अब तो मुझे याद आ गया किसका छप्पर में आग लगानी। तो ये वही बातें हैं भैया कि आदमी को जो कुरान और हदीस में है। दूसरी बात ये है, कहते हैं कि साहब ये और एक मौलवी ने तो इतनी दरीदा देहनी की, कहता है अगर फिकह हनफी में ऐसी बातें हैं तो कुरान में भी तो ऐसी बातें नऊज बिल्ला मौजूद हैं, तो तुम कुरान में मिंबर पर लिख करके उसको बयान करोगे? औज़ु बिल्लाह। हमने कहा कहां इसका मौलवी और कहां अल्लाह, बोलो, कोई मिसलियत है, कोई बराबरी है? अरे अल्लाह अल्लाह शरीयत बनाता है, अल्लाह अपने बंदों को जानता है, अपने बंदों को किस तरह रहनुमाई करनी है, लेकिन तुमको किसने शरीयत बनाने का हुक्म दिया? बाप अपने बच्ची को हैज और निफास के मसाइल बनाए बताए वो बात अलग होती है, और छोटा सा बेटा अपनी बहन को ये तमाम सब मसाइल बनाए, अपने बाप को बताए जमा और मुबाशरत के तौर और तरीके, ये बताओ ये कोई कोई माकूल आदमी इसको तस्लीम करता है, करेगा कोई? चमाट खींच के मारेगा कि नालायक, इतनी सी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें तू कर रहा है? अरे अल्लाह और कहां ये फकीह औज़ु बिल्लाह, वो कहां अल्लाह और कहां ये नाम निहाद मौलवी अपने आप को फकीह कहने वाले? अस्तग़फिरुल्लाह, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में क्या बयान फरमाया, कौन सी फोहिश बात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है?
زنا کا تذکرہ ہے, زانیت و زانی لہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والے. یہ اشارہ اللہ تو اپنے کلام میں اللہ اکبر اتنا فصیح اتنا بلیغ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا میں کسی نے پیش ہی نہیں کیا. لیکن اس امت کا مولوی کہتا ہے اگر ہمارے فقیہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ہوا, اللہ نے بھی تو قرآن میں ایسی باتیں بیان کی ہیں عورت مرد کی, تو کیا تم اس کو اچھالو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور تمہارا مولوی دونوں برابر ہیں, نعوذ باللہ. بولو دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے میرے عزیزو. اللہ نے بیان کیا ہے اپنے بندوں کی طبیعت اور مزاج کو جانتے ہوئے, لیکن ہم کو تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. سنو, کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی سے جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی زیادہ دین کو جانتے تھے یا امتی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ بولو, اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیوں نوبت آئی حکیم الامت کو؟ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. لو, ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہمبستری کرے گا؟ گویا اعلی حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ. اب میں اس پر تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے. سنو, لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. ابھی سے عادت ڈلواؤ. نعوذ باللہ. سنو, کہتے ہیں کہ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے درست. اس میں اور بھی باتیں ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں, چھوڑیں. بڑا بھاری حوض ہو جو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ چلو سے پانی اٹھاویں تو زمین نہ کھلے, یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے. ایسے حوض کو دردہ کہتے ہیں. اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی, اگر ایسے پانی میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی, جیسے پیشاب ہے, خون ہے, شراب وغیرہ, تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے, جدھر چاہے وضو کر لے. اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے جیسے مردہ کتا ہو, تو جدھر پڑا ہو اس طرف وضو نہ کرے اور جدھر نہیں ہے اس طرف سے وضو کر لے. لو, 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا, ٹھیک ہے, اور ایک کونے پہ کتا مرا, اور پانی اتنا ہو کہ اگر چلو سے اٹھاؤ تو زمین نہ کھلے. زمین یعنی ایک بالشت پانی کافی ہے کہ نہیں کافی؟ اس میں مردہ کتا پڑا ہو وضو کرو گے؟ بولو. سنو حضرت, یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے جس کا مسئلہ حکیم الامت نے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چھت پر نجاست پڑی ہے اور پانی برسا اور پرنالا چلا, تو اگر چھت آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی پاک ہے. ہاں, آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. خیر, کتا ہو, بندر ہو, بلی ہو, شیر وغیرہ, جن کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے, یعنی سجھانے سے یا دباغت کرنے سے پاک ہو جاتی ہے, بسم اللہ کہہ کر ذبح کر رہے تو کھال, بسم اللہ کر کے ذبح کر لے تو اس سے بھی کھال پاک ہو جاتی ہے. کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو, کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بولو ذبح کرو, کھال اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے, چاہے بنائی ہوئی ہو یا بے بنائی ہو. اسی لیے ان کے ہاں کتے کو ہاتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے, کتے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا. بولو. کتاب سے بمعہ حوالہ صفحہ نمبر درکار ہے. دیکھو, میں اس لیے نہیں کتاب سے, میں باب بتا رہا ہوں, باب اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گند مختلف جگہوں پہ پھیلی, مختلف طریقے سے پھیلی. اس کا صفحہ بتاؤں گا, اس کا حوالہ دوں گا, تو کل کو ہندوستان والا بیٹھ کر کے ہندوستانی ایڈیشن دیکھے گا تو صفحہ بھی نہیں ملے گا اور وہ نمبر بھی نہیں ملیں گے, تو کہے گا ربانی جھوٹ بولتا ہے. صحیح بات. اس لیے میں ایک کتاب کو لازم, یہ کئی لوگوں نے کئی پریسوں سے چھاپی ہیں اور الٹ پھیر کر دیا ہے, اس لیے میں بیان, فلاں کا بیان اور اس کے تحت وہ مسئلہ, وہاں جا کے دیکھ لو, انشاءاللہ آپ کو مل جائے. نہ ملے, معراج ربانی کا گریبان موجود ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میں صفحہ نہیں بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ صفحہ بیان کروں گا تو پھر پرنٹ بھی بتانا پڑے گا, متوا بھی, اور بار بار وہ متوے بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے اتنا کافی ہے, اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج تک جو صفحے اور جو پرنٹ بتائے گئے, جو متوے بتائے گئے, الحمدللہ ہماری قوم تحقیق کر کے اس مرد پہنچ چکی ہے کہ معراج ربانی کی زبان سے حوالے کبھی غلط نکلتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ الحمدللہ. سنو, کہتے ہیں مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور دانت, یہ سب چیزیں پاک ہیں, اگر پانی میں پڑ جائیں تو نجس نہیں ہوگا. خیر, یہ رہا مسئلہ جناب علی, کس پانی سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آئیے جانوروں کے جھوٹے کا بیان.
कहते हैं कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो 3 मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा। ये अच्छा अच्छा मैं समझा, जैसे हमारे यहां रमजान में डफलिया बजा बजा के सेहरी जगाते हैं लोग, सेहरी का टाइम तो नहीं होगा, चिल्ला रहे हैं बाहर। खैर, तो कुत्ता अगर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो कितनी मर्तबा धो, 7 मर्तबा। और हजरत अशरफ अली साहब थानवी फरमाते हैं 3 दफा धुल्ले पाक हो जाएगा। खैर, कहते हैं मौजों पर मसा करने का बयान। मैंने बताया बड़े मबाहिस हैं, मैं मुख्तसर करके आपको इशारे दे रहा हूं, चाबी दे रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। अगर किसी ने मौजा पर मसाह नहीं किया लेकिन पानी बरसते वक्त बाहर निकली या भीग गई, घास भीगी हुई घास में चली जिससे मौजा भीग गया, तो उसका मसाह हो गया। हाँ, खलास, मसाह वसा करने की जरूरत। पानी में घास पर चलो अगर पैर भीग गया तो मसाह हो गया। और सुनो, निजासत के पाक करने का तरीका, बहिश्ती जेवर हिस्सा 2, निजासत के पाक करने का तरीका। कहते हैं चमगादड़ का पेशाब और उसका पखाना पाक है। आजकल चमगादड़ का पेशाब पखाना किसी ने देखा है? बहरहाल चलो, खैर, कहते हैं निजासत गलीज में से अगर पतली और बहने वाली चीज कपड़े या बदन में लग जावे तो अगर फैलाओं में रुपए के बराबर या उससे कम हो तो माफ है। रुपया समझते हैं, रुपया सिक्का, उसके बराबर है तो माफ है। और उसके धोए नमाज पढ़ लेवे तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर गाढ़ी है तो जैसे पैखाना और मुर्गी की बीट वगैरह, तो अगर वजन में 4.5 माशा या उससे कम हो तो बेधोए नमाज उससे दुरुस्त। अब वो तौलो ये 4 माशा है कि 3 माशा है कि दो, तब नमाज पढ़ो, समझ रहे? खैर, और भी इसके अंदर बड़े मसाइल हैं, मैं उसमें कहां जाऊं। कहते हैं हाथ में अगर कोई चीज नजिस लगी थी उसको किसी ने जुबान से 3 दफा चाट लिया तो पाक हो। नजासत लगी, मेरी माओ बहनों जरा तुम ध्यान से सुनो, कभी आसानी से यह नुस्खा नहीं अपनाना कि कभी पैखाना धुलते धुलते बच्चे का अगर कहीं उंगली में लग गया तो सोचो अब कौन जाए धुलने लाओ, ही चाट लें। या तो हमारी अहनाफ जो माए बहने हैं वो ये करेंगी, चाटेंगी, है ना। एक मौलवी साहब ने कहा हमने ये किताब लिखी इसी बात पर, किसी ने उनको टोका था तो कहा हमने कब कहा कि आप चाटिए। अरे अगर किसी ने चाट लिया तो सवाल ये पैदा हो कि अल्लाह के नबी ने निजासत साफ करने का, चाटने का भी कोई ढंग और तरीका बतलाया? अगर बतलाया है हाथ बुरहान को मिन कुंतुम सादिकीन। बहरहाल कहते हैं कि कुत्ते का लुआब नजिस है और कुत्ता खुद नजिस नहीं, कुत्ता खुद नजिस और नापाक लेकिन उसका लुआब क्या है, नजिस। खैर, यही बहिश्ती जेवर इस्तिंजे का बयान। कहते हैं कि जब पैखाना पेशाब को जावे तो नंगे सर ना जावे, पैखाना और पेशाब को जाए तो नंगे सर, सबके लिए हुक्म भाई। इसीलिए हमारे यहां एक मुफ्ती था, वो जब भी पेशाब पैखाना करने जाता दूर लोटा टोपी पहन के जाता था। तो जो कौम पैखाना पेशाब टोपी पहन के करती हो उसको नमाज में अगर तुम बहुत टोपी ना पहनो तो मानेगी? खैर, अब कहते हैं हजरत फरमाते हैं कि ईशा का वक्त सुबह होने तक बाकी रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आधी रात तक ईशा का वक्त होता है, उसके बाद ईशा का टाइम क्या हो जाता है, निसफ लैल के बाद खत्म। और हजरत फरमाते हैं सुबह तक ईशा का वक्त बाकी रहता है, फजर तक, खलास, पढ़ते रहो। इसीलिए ये लोग पढ़ते रहते हैं जब दिल कहता है, और औकात के टाइम है इसमें। कहते हैं अगर फजर की नमाज पढ़ने में सूरज निकल आया तो नमाज नहीं होती है, सूरज में रोशनी आ जाने के बाद कजा पढ़े, लेकिन अगर असर की नमाज पढ़ने में सूरज डूब गया तो उसकी नमाज हो जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफक अलैह रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने सुबह की नमाज की नीयत बांधी और 1 रकत पढ़ी और 2री रकत में सूरज निकल आया तो उसकी नमाज हो जाती, और इसी तरह गुरूब नीयत बांधी उसने और दिन गुरूब हो गया 1 रकात पढ़ने के बाद, पूरी नमाज पढ़ ले उसकी नमाज हो जाती। ये दोनों हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं और फिकह हनफी के हवाले से कि अगर फजर में दिन निकल आया तो नमाज नहीं होती, असर में डूब गया तो नमाज, ये कहां है? ये कुरान और सुन्नत के, ये हदीस रसूल के सरासर खिलाफ। नमाज की शर्तों का बयान, अगर जुबान से नीयत कहना चाहे तो इतना कह लेना काफी है कि नीयत करती हूं मैं आज के जोहर के फर्ज की अल्लाह अकबर, या नीयत करती हूं जोहर की सुन्नतों की, नऊज़ुबिल्लाह। ये कहां है, किस हदीस से साबित है बतलाओ? इसी तरह अगर कई दिन की नमाजें कजा हो गई तो दिन तारीख मुकर्रर करके नियत करे। हां, नियत करती हूं मैं मसलन आज की 7 सफर 1426 हिजरी मुताबिक 17 मार्च सन 2005 ईस्वी
टाइम फलाना इस नमाज की कजा पढ़नी। अब वो कजा ही क्यों करे भाई कि आप दिन तारीख, और सुनो अगर कई दिन की नमाजें कजा हो गई हैं तो दिन तारीख भी मुकर्रर करके नियत करनी चाहिए, और अगर कई महीने या कई साल की नमाजें कजा, औजु बिल्ला, ये आप क्या बतला रहे हैं? अल्लाह के नबी तो एक नमाज छोड़ने की वही दे फरमा रहे हैं और आप इतना खुल्ला माशाल्लाह। इसीलिए हमारे यहां मुल्कों के अंदर अल्लाह अज़्ज़ वजल की कसम है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रहने वालों, आज सऊदी अरब में आप बैठ करके बच्चे बच्चे मस्जिद के अंदर देखते हो, हमारे यहां मस्जिदों के अंदर जो हाजिरी देते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं वो बेचारे जाते हैं, जवान तबका जुमा के अलावा और कभी मस्जिद के अंदर नजर आता नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को हनफी समझते हैं, मौलवियों ने छूट दी हुई है, नमाज के ऊपर कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, कोई फजीलत नहीं, कहां जाते हो नमाज पढ़ने? इल्ला मन रहम अल्लाह। अक्सर बेहतर नमाज से बेगाना, औरतें मस्जिदों के अंदर औरतें बेगाना हैं, अजान होती है औरतों के रुपट्टे इनके सरों पे जरूर चढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के अंदर भी ये दाखिल नहीं होती, नहीं नमाज पढ़ती हूं। गांव बस्तियों को देखो, हमारे यहां बस्ती बस्ती गांव गांव जाके देखो, औरतें तकरीबन 95% नमाज नहीं पढ़ती, 95% नमाज नहीं पढ़ती। ये मोहलतें हैं हकीमुल उम्मत साहब की बहती जेवर पढ़कर, कजा कर लो कजा कर लो, चलो महीने में पढ़ लेंगे, साल में पढ़ लेंगे। सुनो अगर कई महीने या कई साल की नमाजें कजा हो तो महीने और साल का नाम भी लेवे और कहे कि फलाने साल के फलाने महीने की फला तारीख की फजर की कजा पढ़ती हूं। कहां कौन से क्या सबूत है इसका, क्या दलील है हकीमुल उम्मत साहब आप जो ये दुनिया को दर्स और तालीम देते हैं? सुनो औरत किस तरह नमाज पढ़ रही है उसका तरीका, फर्ज नमाज पढ़ने के तरीके का बयान, रुकू में दोनों हाथ की उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रख दे और दोनों बाजू पहलू से खूब मिलाए रहे और दोनों पैर के टखने बिल्कुल मिला देवे, रुकू में औरत टखने और बाजू सब मिलाकर रखे और सजदे में पांव खड़ा ना करे बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर और दब कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से और पेट दोनों रानों से और बाहें दोनों पहलू से मिला देवे और दोनों बाहें जमीन पर रख देवे। अल्लाह के नबी ने जिस तरह फरमाया कि कुत्ते की तरह अपनी बाहों को न फैलाओ, हजरत फरमा रहे दोनों बाहें कुत्ते की तरह जमीन पर, इसमें नहीं लिखा कुत्ता लेकिन मैं कहता हूं कुत्ते की तरह क्योंकि कुत्ता ही दोनों बाहों को जमीन पर रखता है जिसे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, दोनों बाहें जमीन पर रख दे और फर्ज नमाज में पिछली दो रकातों में अलहमदो के साथ और कोई सूरत न मिलावे। यह तरीका है औरत की नमाज का, किसने बताया यह तरीका? अल्लाह के रसूल फरमाए, कहते हैं अगर कोई रुकू से खड़ी होकर समी अल्लाहु लिमन हमदा रब्बना वलकल हम्द या रुकू में सुभान रब्बियल अजीम ना पढ़े या सजदा में सुभान रब्बियल आला ना पढ़े या आखिर की बैठक में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ ना पढ़े तो भी नमाज हो गई। हाँ ये आमीन रफे देन पे मर रहा है, रफे देन ना करें तो नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं तुम ये सब क्यों पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अजीम क्यों पढ़ते हो, रब्बना लकल हम्द क्यों कहते हो, अल्लाह अकबर क्यों कहते हो, समी अल्लाह क्यों कहते हो, सुभान रब्बियल आला, उठक बैठक कर लो खलास नमाज हो गई, ये भी कोई नमाज है? बोलो ये भी कोई नमाज है? ये हमारे नबी ने ये नमाज का तरीका बताया। अस्तग़फिरुल्लाह। कहते हैं इसी तरह अगर दरूद शरीफ के बाद कोई दुआ ना पढ़ी सिर्फ दरूद पढ़कर सलाम फेर दिया तब भी नमाज दुरुस्त। सजदे के वक्त कहते हैं नियत बांधते वक्त हाथों का उठाना सुन्नत है, अगर कोई ना उठाए तब भी नमाज हो जाती। लो भैया कुछ नहीं, चुपचाप सिर्फ। अब क्या मैं बताऊं इस नमाज की शक्ल क्या होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहते हैं अगर पिछली दो रकातों में अलहमदो ना पढ़े बल्कि तीन दफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह ले तब भी नमाज हो जाती और अगर कुछ ना पढ़े चुपकी खड़ी रहे तो भी कोई हरज नहीं नमाज हो जाती। हमने कहा हजरत यही पहले बता देते, इतना लंबा कान यहां घुमा के क्यों पकड़ा रहे हो, अबे सीधे कह दो चुपचाप खड़ी रहो उठक बैठक करो नमाज हो जाती है कि नहीं है। यह नमाज है, ये वो नमाज है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, या देवबंद या सहारनपुर या मुजफ्फरनगर या थाना भवन की नमाज है। किसकी नमाज है ये? बोलो ये मोहम्मदी नमाज है, ये बहिष्टी नमाज है, ये बहिष्टी जेवर है। बोलते क्यों नहीं हो, ये बहिष्टी जेवर है। उसके ऊपर भी तुर्रा ये कि ये गैर मुकल्लिद बदमज़हब लोग हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह हिदायत दे इन झूठों को। कहते हैं नमाज तोड़ देने वाली चीजों का बयान, अगर दोहरा या छालिया का टुकड़ा कोई चीज दांतों में अटकी हुई थी, दोहरा समझते हो किसको कहते हैं,
हाँ ये सहारनपुर वाले दोबन वाले जानते होंगे दोहरा, आखिल साहब बैठे, दोहरा जानते हो, सुपारियां होती हैं, कत्थे अलग होते हैं, चूने अलग होते हैं और 120 का तंबाकू अलग होता है जनाबे अली, वो काट के मिला के उसको दोहरा कहते हैं, जिसको बॉम्बे की जुबान में आजकल मावा कहते हैं, मावा रगड़ मार के मावा देता है। और आजकल गुटका वाला भी पकड़ा गया है, गुटके का ये जो वो है ना जो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, वो कहता है अंडरवर्ल्ड से उसका ताल्लुक है, वो भी पकड़े के चक्कर में, कहते हैं अगर वो कोई चीज दांतों में अटकी हुई थी, यानी ये खाना है खाओ कोई मरने मजा नहीं है, अगर अटकी हुई है उसको निकल गई तो अगर चने के बराबर है तो नमाज हो गई, और अगर चने से कम हो तो नमाज हो गई, और अगर चने के बराबर या ज्यादा हो तो नमाज टूट गई। सुनो, जिन चीजों से नमाज तोड़ देना दुरुस्त है, कहते हैं ऐसी चीज के जाया हो जाने या खराब होने का डर हो जिसकी कीमत 3 आने 4 आने हो तो उसकी हिफाजत के लिए नमाज का तोड़ देना दुरुस्त। हाँ 2-3 आने की कोई बच्चा कुछ तोड़, नमाज पढ़ रही है, देख लिया कि बच्चे ने 2 आने 3 आने की चीज है, तोड़ दी नमाज, छोड़ दो वो 2-3 आने की चीज, बता लो। साहबे कराम अपनी जान की परवाह नहीं करते थे और नमाज को बोलो ये। सुनो अब मैं खैर और मैं मुख्तसर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाइयों, किसी बेनमाजी ने तौबा की तो यकीनी नमाजें उम्र भर में कजा हुई हैं, यकीन तो जितनी नमाजें उम्र भर में कजा हुई हैं सबकी कजा पढ़नी वाजिब है। यानी अगर वो 30 बरस का हो गया है तो 15 बरस की जो नमाजें हैं सबकी वो कजा करे, अल्लाह के नबी ने यही फरमाया। उसकी नमाजें नहीं है उसके ऊपर क्या है तौबा, उसके ऊपर क्या है तौबा करे, उसे वो नमाजें पढ़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। सुनो, कहते हैं कि नमाज के शुरू में सुभानकल्लाहुम्मा पढ़ना भूल गई, शुरू से लियो नमाज के शुरू में सुभानकल्लाहुम्मा पढ़ना भूल गई, सुभान रब्बियल अजीम रुकू में भूल गई, सुभान रब्बियल आला नहीं कहा, या रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमदा कहना याद नहीं रहा, या नियत बांधते वक्त कंधे तक हाथ नहीं उठाए, या आखिर रकत में दरूद शरीफ या दुआ नहीं पढ़ी, यूं ही सलाम फेर दिया, तो इन सब सूरतों में सजदे 100 वाजिब नहीं होता, यानी उसकी नमाज हो जाती। क्या पढ़ते हैं नमाज में है हनफी लोग, इनसे पूछना चाहिए। बहरहाल ये रहा नमाज के ताल्लुक से। कहते हैं घर में मौत हो जाने का बयान, हैज और निफास वाली औरत और जिसको नहाने की जरूरत हो मुर्दे के पास न बैठे। हाँ तबाह से अगर शौहर मर गया और बेचारी औरत को हैज आ गया तो अब वो शौहर के मुर्दे के करीब, नऊज़ु बिल्लाह, ये कौन सा दीन है भैया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुर्दे की बात करते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका इस हालत में होती थी और अल्लाह के नबी चादर में उनके साथ आराम फरमाते। ये मियां बीवी का मोहब्बत की मोहब्बत। और कहती हैं हजरत आयशा, मैं उस चादर को ओढ़े रहती, अल्लाह के नबी भी उसी चादर को ओढ़ते, यहां तक कि मैं हैज की हालत में भी होती अगर सामने लेटी रहती अल्लाह के नबी वहीं नमाज पढ़ लिया। और मरने के बाद हनफी फिका कह रही है कि जनाब मुर्दे वहां न रहे, वो हैज निफास वाली औरत कहां जाएगी। सुनो, मुर्दे को नहलाने का बयान, गुसल के बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लगाकर जरा बिठा दे और उसके पेट को आहिस्ता आहिस्ता मले और दबा दे, अगर कुछ पैखाना निकले तो उसको पोंछ के धो डाले, और वजू और गुसल में उसके निकलने से कोई नुकसान नहीं होता, अब दोहराने की जरूरत नहीं है। मुर्दे को वजू करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो भैया ये सब काम वजू बनाने से पहले कर लो, जैसे हम अपने मुर्दों को करते हैं कि थोड़ा सा उठाकर पेट दबाकर सारे पैखाने गलाजतें निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर नहलाते हैं टाइम कर लेते हैं, ये तरीका है। लेकिन आला हजरत फरमा रहे हैं पूरा वजूजू बनाने के बाद नहला वहला के फिट फाट करके जब रेडी कर लो तब उसको उठाओ और फिर पैखाना पेशाब निकले उसको पोंछ दो, साफ कर दो, बात खत्म, अब उसको दोबारा वजू करवाने की जरूरत बोलो। यह है शरीयत की। कहते हैं अगर बीवी मर जाए तो खाविंद को बदन छूना और हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है। ओ मेरी माओ बहनों, तौबा करो इस मजहब से जो मरने के बाद तुम्हारे शोहर को तुमसे जुदाई कर दे। हाँ, तुम्हारा मर्द मर जाए, शोहर मर जाए, उसका बदन भी नहीं, और हमारे यहां देहातों में तो गैर मर्द चारपाई उठा के लेके जाते हैं जनाजे में, लेकिन शोहर बेचारा अपनी औरत की चारपाई भी नहीं छूता, उसे नहीं छूने देते। कहते खलास रिश्ता जिंदगी में था अब वो गैर हो गई। मैंने कहा गैर हो गई तो क्या महल्ले वालों की हो गई? वो बेचारा तो जिंदगी भर उसके साथ रहा, उसकी गैर हो गई, और जिंदगी भर जिनके साथ नहीं रही उसकी अपनी हो गई। ये सारे महल्ले के लोग चारपाई उठा के ले जा रहे हैं, वही बेचारा नहीं छू सकता।
ये देखें, ये उल्टी अकल अल्लाह ताला किसी को ना दे। कफनाने का बयान, कहते हैं कफन में या कब्र के अंदर अपने पीर का रूमाल वगैरह कोई कपड़ा वगैरह तबर्रुकन रख देना दुरुस्त। अहदनामा वगैरह भी रखते हैं ना हमारे यहाँ, और कहते हैं आंखों के सामने रखो, सीने पे रखो, मुनकर नकीर आते ही खलास अटेंशन, ये अहदनामा लेके सोया है, जा बेटा जन्नत में। दुर्रे मारेंगे दुर्रे, कमर टेढ़ी कर देंगे तुम्हारी जो सीधी पड़ी हुआ है। अल्लाह से डरो, ये रुमाल रुमाल कब्र में कोई काम? बोलो उबै इब्ने खलफ, उबै इब्ने ये था, उबै इब्ने काब अब्दुल, ये उबै इब्ने सलूल, अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उसे अता फरमाया, उस मुनाफिक को उस कुर्ते ने कोई फायदा पहुंचाया, जानने में चल रहा है। तो तू ये पीर पिकड्डी का ये रुमाल और उसका तबर्रुक सुनो, नफास और हैज वगैरह, कहते हैं अगर कलाम मजीद जुजदान या रुमाल में लिपटा हुआ हो या उस पर कपड़े वगैरह की चोली पड़ी हो और जिल्द के साथ सिली हुई ना हो बल्कि अलग हो कि उतारने से उतर सके, तो इस हाल में वो हैज और नफास वाली औरत कुरान मजीद को छू सकती है, उठा सकती है। और कहते हैं जिसका वजू ना हो, मसला नंबर दो, जिसका वजू ना हो उसको कलाम मजीद का छूना दुरुस्त नहीं है। ये देखें दोनों उल्टी मुतजाद बातें, वो हैज और नफास वाली उसके ऊपर जुजदान लगा है वो छू सकती है, लेकिन बेवजू अगर आप हैं तो आप नहीं छू सकते। ये कौन सी उल्टी अकल हो गई भाई? जिसमें गुसल फर्ज है उसमें छूना जायज है, और जिसमें गुसल फर्ज नहीं वजू उसमें छू सकती है। सुनो कहते हैं कि ये जरा सुनो मेरे भाइयों, जरा अकल देखो, अकल और दिमाग देखो, शरीयत शादी देखो। किसी के लड़का पैदा हो रहा है, किसी औरत को बच्चा पैदा, लड़का या लड़की कोई भी हो, किसी को बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला है, कुछ निकला है, सुनो सब नहीं निकला है, कुछ बाहर निकला है और कुछ नहीं निकला है, ऐसे वक्त भी अगर होशो हवास बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज, कजा कर देना दुरुस्त नहीं है, कजा कर देना दुरुस्त। ऐसी हालत में औजु बिल्लाह, मेरी माए बहने जरा सोचें, उस वक्त नमाज यानी आधा बच्चा बाहर आधा बच्चा, और जोहर का वक्त हो गया, अब उस हाल में उसके लिए फर्ज है कि वो नमाज पढ़े, वो कजा करना चाहिए। ये कौन सी शरीयत है भाई? औज़ु बिल्लाह, ये दीन नहीं है। सुनो ये इन्होंने अपनी तरफ से बनाया। बहिश्ती जेवर हिस्सा नंबर 3, कहते हैं अगर रोजादार भूले से, सुनो जरा गौर सुनो रोजेदारो, सुनो बड़ी मार्के की बात है, मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, रोजादार भूले से खामिंद से हम बिस्तर हो जावे, कोई औरत भूले से रोजे से है और भूले से शौहर से हम बिस्तरी हो जावे तो उसका रोजा नहीं जाता है। मैं कहता हूं खाना पानी आदमी भूले से खा लेता है, लेकिन यह कार्यक्रम भूले से होता है, यह मैं समझता हूं मुजफ्फरनगर देवबंद वालों की अजीब उल्टी चाल है। अरे अगर बीवी को याद नहीं रहा तो मर्द को तो याद रहेगा कि मैं रोजे से हूं, है कि नहीं? ये सवाल, ये मसला शेख, ये मसला है अबू माजिद, ये हकीमुल उम्मत की पुड़िया, मुझे हंसी आई कि ये काम भूले से होता है। अरे यहां तो नींद भी अगर आदमी सोया हुआ ऐसे आलम में जाग जाता है कि नहीं है? लेकिन खैर ये बहिश्ती जेवर है, ये क्या है कुछ ना कहिए, ये बहिश्ती जेवर है, जुबान बंद रखिए, हकीमुल उम्मत का फरमान है, मान लीजिए चाहे नबूवत रेजा रेजा हो, कुरान और सुन्नत की तालीमात चाहे सर पीटती रहे लेकिन हजरत की तालीम झूठी नहीं होनी चाहिए। सुनो कहते हैं रात को नहाने की जरूरत आई, लोबान वगैरह कोई धूनी सुलगाई फिर उसको अपने पास रखकर सूंघा तो रोजा टूट गया, वहां पर हम बिस्तरी हो गई रोजा नहीं गया, और यहां लोबान की बू अंदर चली गई तो रोजा हलास। हाँ रात को नहाने की जरूरत हुई मगर गुसल नहीं किया तो अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोजा नहीं जाता है, तो हजरत नमाजें कहां गई उसकी? या आप क्या तालीम दे रहे हैं उल्टी सीधी? फिकह है आपकी, फिकह दानियां हैं ये, और इस पे तुर्रा ये है कि हम इमाम आजम को मानने, ये इमाम आजम का फरमान है? ये कौन से मजहब और कौन से दीन को बहिश्ती जेवर बनाया गया? सुनो किसी जरूरत से दाई ने ये नऊज़ु बिल्लाह, माफ करना मेरी माओ बहनों, मसला आया है और मेरे भाइयों आपको मैं बता रहा, अगर किसी जरूरत से दाई ने पेशाब की जगह उंगली डाली या खुद उसने अपनी उंगली डाली फिर सारी उंगली या थोड़ी सी उंगली निकालने के बाद फिर डाली तो रोजा टूट गया। औज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा आप हजरात खुद समझें। औज़ु बिल्लाह कहते हैं अगर किसी ने सहरी ना खाई
और उठकर एक आध पान खा लिया तो भी सहरी हो गई। माशाल्लाह, गुटके खाने वालों, ओ पान खाने वालों, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बीड़ी सिगरेट गुटके के नुकसान का पता है, लेकिन देवबंदी मौलवियों को अभी तक इनको इसका इलम नहीं हुआ। पान खाओ सहरी की जगह पर, माशाल्लाह आशिकों का काम है। हाँ, कहते हैं फिदिया, सुनो फिदिया का बयान, फिदिया का बयान सुनो। अगर किसी की नमाजें कजा हो गई हो और वसीयत करके मर गई कि मेरी नमाजों के बदले फिदिया दे देना, तो हर वक्त की नमाज का उतना ही फिदिया है जितना एक रोजे का फिदिया है। इस हिसाब से दिन रात के 5 फर्ज, 1 वितर, 6 नमाजों की तरफ से 1 छटाक, 11.5 सेर गेहूं 80 रुपए के सेर से देवे, मगर एहतियातन पूरे 11 सेर देवे। अब 5 एक दिन का 11 सेर अगर मौलवी के यहां पहुंचता है, तो अब पूरी जिंदगी अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी है और 60 साल एवरेज लगा लो जिंदा रही या जिंदा रहा, और उसने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, कदा मेरे नाम के फिदिया दे दो, तो अब 60 साल में मौलवी के घर में कितना जाएगा। जब 1 दिन का 11 सेर होता, यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबारी वर्रुहबान ला याकुलूना अमवालन नासि बिल बातिल। बहुत सारे मौलवी मुल्ला लोगों का माल हराम तरीके से खाते, यह है हराम तरीके से। फिदिये दो, नमाज माफ, खलास। सुनो रमजान के एतकाफ का बयान, रमजान के आखिरी अशरे में औरत अपने घर में जहां नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर कर रखी हो उस जगह पर पाबंदी से जमकर बैठे, इसी को एतकाफ कहते हैं। लेकिन सुनो, नबी ने घर में एतकाफ बैठने का हुक्म औरतों को भी नहीं दिया है, माफ करना, यह इनका अपने भी शरीयत है। सुनो और आगे बढ़ते हैं, जकात का बयान, जकात अदा करनी, वो सब बहुत बहुत ज्यादा है, वो सब मैं नहीं जाना चाहता उसमें। मुसाफिर पर कहते हैं कुर्बानी का बयान, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अच्छा, जज़ाकअल्लाह खैर। अगर कोई किसी दिहा, और सुनो कुर्बानी का बस सुनो, और अब कुरान और सुन्नत की तालीमात आप हजरात जानते हैं कि कुर्बानी कब की जाती है, बोलो कुर्बानी कब की जाती है, ईद की नमाज के बाद। ये सुनो हकीमुल उम्मत का मसला, अगर कोई किसी देहात में और गांव में रहती हो तो वहां तुलुए सुबह सादिख, तुलुए सूरज नहीं, सूरज के निकले नहीं, सुबह सादिख तुलु होने के बाद बकरीद की नमाज होने से पहले कुर्बानी कर दे तो जायज है। ये है कुर्बानी, अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी दिन भी नहीं निकला, सुबह सादिख हुई है, अभी फजर का टाइम हुआ, अजान हुई है, कुर्बानी कर दो, कुर्बानी जायज है। अगर कोई शहर की रहने वाली हो अपनी कुर्बानी का जानवर किसी गांव में भेज देवे तो उसकी कुर्बानी बकरीद की नमाज से पहले दुरुस्त है, अगरचे खुद वो शहर ही में क्यों ना वो मौजूद हो। बड़े अच्छे बहाने हैं, देखो गोश्त खाने का तरीका, मौलवी घर में पहले आए हकीम उम्मत के, खाएं, गांव में भेज दो, शहर में रहते हो ना, गांव में भेज दो, जल्दी से नौकर कुर्बानी करा के वहां से ले आवेगा, तुम वहां ईद की नमाज पढ़ के आओगे, यहां गोश्त दबाओगे, खुद वह शहर में। लेकिन जब कुर्बानी देहात में भेज दी तो नमाज से पहले कुर्बानी दुरुस्त हो गया, जबह हो जाने के बाद उसको मंगवा ले। किसी पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की तो एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दे, ये जायज, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जायज नहीं है, ये कुर्बानी में खैरात सदकात नहीं चलते बल्कि कुर्बानी करना है। सुनो कहते हैं हलाल और हराम चीजों का बयान, घोड़े का खाना बेहतर नहीं और दरियाई जानवरों में से सिर्फ मछली हलाल है, बाकी सब हराम है, जाओ हलाल, मछली के अलावा सब क्या है, ये हराम और हलाल का ठेकेदारी अशरफ अली साहब थानवी लेके बैठे हैं। कहते हैं जो मछली मरकर पानी के ऊपर उल्टी तैरने लगे उसका खाना दुरुस्त नहीं है, उसका खाना दुरुस्त नहीं। नशा की चीजों का बयान, कहते हैं ताड़ी और शराब का सिरका खाना दुरुस्त, ताड़ी है शराब है, आम इमली का सिरका बना लो, पेलो, दबा के खाओ डटके, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं। कहते हैं लिबास और पर्दे का बयान, औरत को चाहिए कि जो और औलाद को उस मर्द से निकाह करना जायज ही नहीं, जरा सोच समझ के कदम रखियो गालिब, यहां पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं, इसे मैखाना कहते हैं। इसी तरह अगर किसी मर्द ने किसी औरत पर हाथ डाला, वो मर्द उसकी मां और औलाद पर हराम हो गया। कहते हैं माजरत के साथ मेरी माँ बहनों, रात को अपनी बीबी को जगाने के लिए उठा मगर गलती से लड़की पर हाथ पड़ गया,
अब वो मर्द अपनी बीवी पर हमेशा के लिए हराम हो गया। यह है शरीयत, यह है क्या, बहिश्ती जेवर है। हाँ, बहिश्ती जेवर है। सुनो, अब कोई सूरत जायज होने की नहीं है और लाजिम है कि यह मर्द अब उस औरत को तलाक। अस्तग़फिरुल्लाह, ये कोई तरीका है? ये कौन सा दीन है? क्या सबूत है इसका जो तुम हराम कर रहे हो भाई? है? सुनो, किसी लड़के ने, अब ये सब देखो मसले बयान कर रहे हैं, अगर, और जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, अगर ये शैतान के दरवाजों को खोलता है, ये शैतानी दरवाजे हैं, अगर किसी लड़के ने अपनी सौतेली मां पर बदनीयती से हाथ डाल दिया तो अब वो औरत अपने शोहर पर बिल्कुल हराम हो गई, अब किसी सूरत हलाल नहीं हो सकती। कहते हैं वली का बयान, बालिग यानी जवान औरत खुद मुख्तार है, अगर वो खुद अपना निकाह किसी से कर ले तो निकाह हो जाएगा, चाहे वली को खबर हो चाहे ना हो, वली चाहे या खुश हो या ना हो, हर तरह निकाह दुरुस्त। जाओ फ्री हो, जाओ जवान लड़के और लड़कियां क्या हो, फ्री हो, खलास, मटर गश्तियां करो, शादी करो, वली विलायत की कोई जरूरत नहीं। कौन लोगों से शादी? बराबर, बराबरी, खानदान, पठान। सुनो, कहते हैं मुगल पठान सब एक कौम है, शेखों और सैयदों की टक्कर के नहीं है, अगर शेख या सैयद की लड़की उनके यहां ब्याह की आई तो कहेंगे कि बेमेल और घटकर निकाह हुआ है। जो शख्स खुद मुसलमान हो गया और उसका बाप काफिर था, वो शख्स उस औरत के बराबर का नहीं जो खुद भी मुसलमान है। सुनो, बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दूध पीने और पिलाने का बयान, इमाम आजम जो बड़े इमाम हैं वो फरमाते हैं कि अगर बच्चे ने ढाई बरस के अंदर अंदर भी दूध पिया हो तब भी निकाह दुरुस्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है दो साल के बीच, और इमाम आजम की तरफ मंसूब है ये कौल। ये क्या कहते हैं? ढाई बरस। ये कुरान के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? कुरान के खिलाफ है। सुनो, हम इसको नहीं मानते। बहरहाल कहते हैं मुर्दा औरत का दूध, मुर्दा औरत को दूध निकलता है और कौन निचोड़ेगा मुर्दा औरत को? देखो जलील, जिल्लत की हद है। कहते हैं मुर्दा औरत, अगर मुर्दा औरत का दूध दुहकर किसी बच्चे को पिला दिया तो उससे भी सब रिश्ते हराम हो जाते हैं। उसे कौन से? ये दीन है, ये शरीयत है, ये बहिश्ती जबर है। कहते हैं किसी, सुनो आगे बढ़ो, मियां के लापता हो जाने का बयान, जिसका शौहर बिल्कुल लापता हो गया, जरा गौर से सुनना, मालूम नहीं मर गया या जिंदा है, तो वो औरत अपना दूसरा निकाह नहीं कर सकती बल्कि इंतजार करती रहे कि शायद आ जावे। जब इंतजार करते करते इतनी मुद्दत गुजर जावे कि शौहर की उम्र 90 बरस की हो जावे तो अब हुक्म लगा देंगे कि वो मर गया होगा। सो अगर वो औरत अभी जवान हो और निकाह करना चाहे तो शौहर की उम्र 90 बरस की होने के बाद इद्दत पूरी करके निकाह कर सकती। अभी शौहर 90 बरस का हो जाए तो बेचारी की जवान रहेगी ये है? ये भी उसकी अम्मा लगेगी, उसमें वो शादी करेगी गरीब हो? लेकिन अकल, ये किसको अक्ल होती तो खुदा से लड़ाई लेती। ये शरीयत साजी का ये नतीजा है। आदमी जब कुरान और सुन्नत से बेगाना होता है तो उसका हश्र ये होता है। कहते हैं अगर नाबालिग लड़की को तलाक मिल गई, जो अभी जवान तो नहीं हुई लेकिन जवानी के करीब हो गई, फिर तलाक के बाद पूरे 9 महीने में बच्चा हुआ तो वो हरामी, तो वो हरामी, तो क्या है वो? हरामी। और सुनो, ये हो गया। अब आगे सुनो, किसी का शौहर मर गया तो मरने के वक्त से अगर 2 बरस के अंदर बच्चा हुआ तो हरामी नहीं बल्कि शौहर का बच्चा है। मर गया और 2 बरस के बाद बच्चा पैदा हुआ, कितने बरस के बाद? हाँ, तो हरामी नहीं है, वो हलाली है। सुनो, कहते हैं मियां परदेश में है। सऊदी वालों सुनो जरा गौर से, तुम सऊदी अरब में रहते हो ना, लोग चच्चा बरस में बड़ा लड़ाई करते हो, मेरी बीवी को यह हो गया, बाद में हमारे पास मसले लाते हो, ये हकीम उल उम्मत की पुड़िया इस्तेमाल करो। देखो, मियां परदेश में है, मुद्दत हो गई, बरसें गुजर गई कि घर नहीं आया और यहां लड़का पैदा हो गया और शौहर उसको अपना ही बताता है, तब भी वो अजरूए कानून शरा हरामी नहीं, उसी शौहर का है। लो भैया, फर्स्ट क्लास छूट है। औरत अगर ये केस करे कि हमारी शरीयत में है तो जायज। इद्दत का बयान, गैर औरत को अपनी बीबी समझकर धोखे से सोहबत कर ली, वही रोजे वाला मामला, भूल कर सोहबत कर ली बीबी से, यहां किसी गैर औरत से धोखे से बीबी सोहबत कर ली। मैं वही फिर कहूंगा कि यह आदमी कैसे, कोई जानवर है, हैवान है कि जिसकी घोड़ी या जिसकी बकरी हो जहां जाए मुंह मारे? ये कौन सी तालीम है ये? कहते हैं धोखे से सोहबत कर ली, फिर मालूम हुआ कि ये उसकी बीवी न थी, तो औरत को भी इद्दत में बैठना होगा, जब तक इद्दत खत्म ना हो चुके तब तक अपने शौहर को भी सोहबत ना करने दे, नहीं तो दोनों पर गुनाह होगा।
उसकी इद्दत भी यही है जो अभी बयान हुई, अगर उसी दिन पेट रह गया तो बच्चा होने तक इंतजार करे और इद्दत बैठे, और यह बच्चा हरामी नहीं, उसका नसब ठीक है, जिसने धोखे से सोबत की है उसी का लड़का है। फर्स्ट क्लास कोख और गोद लेने का, सुनो इजारे फाजिल, पढ़ने के लिए कोई किताब किराए पर ले तो यह दुरुस्त नहीं बल्कि यह बातिल है। घर सजाने के लिए झाड़ फानूस वगैरह किराए पर लेना दुरुस्त नहीं, अगर लाया भी तो वो देने वाला किराए पाने का मुस्तहिक नहीं। फातिहे का बयान मैंने दिया था कि सुन्नी बहिश्ती जेवर वाले ने फातिहा बयान किया था, लिखते हैं फातिहे का बयान बहिश्ती जेवर हिस्सा नंबर 6। फातिहा यानी मुर्दे को सवाब पहुंचाने का तरीका क्या है, सो इसकी हकीकत शरा में सिर्फ इतनी है कि किसी ने कोई नेक काम किया, उस पर जो कुछ सवाब उसको मिला उसने अपनी तरफ से वो सवाब किसी दूसरे को दे दिया कि या अल्लाह मेरा ये सवाब फला को दे दे और पहुंचा दे। मसलन किसी ने अल्लाह की राह में कुछ खाना या मिठाई या रुपया पैसा कपड़ा वगैरह दिया और अल्लाह ताला से दुआ की जो कुछ उसका सवाब मुझे मिला है वो फला को पहुंचा दे, या एक आध पारा कुरान करीम पढ़ा, आध सूरत पढ़ी और उसका सवाब बख्श दिया, वो नेक काम आज ही किया हो या उससे पहले उम्र भर में किया हो, ये दोनों सवाब पहुंच जाता है और यह अजरुए शरा साबित। कहा साबित? ये किसने बताया? अल्लाह ने, रसूल ने, किसने बताया? ये इनके अपने घर की। मुरीद बनने के कई फायदे हैं, बहरहाल वो सब छोड़ें, आप मुरीद बनने के कहां जाएंगे आप, और एक वाकया, बड़े बड़े वाकयात हैं, बहरहाल सुनो छोड़ो वो। आमिना रमलिया का एक वाकया मैं बताऊं, हजरत ने बड़े किस्से लिखे हैं जैसे फजाइल अमाल में हैं, कि एक बुजुर्ग हैं बिशर बिन हारिस, वो उनकी जियारत को आते, एक दफा हजरत बिशर बीमार हो गए, ये उनको पूछने गई आमिना रमलिया पूछने गई, अहमद बिन हम्बल जो बहुत बड़े इमाम है वो भी पूछने आ गए हालचाल, मालूम हुआ कि यह आमिना है रमला से आई है। इमाम अहमद ने बिशर से कहा कि इनसे हमारे लिए दुआ करवाओ, बिशर ने दुआ के लिए कहा, उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह बिशर और अहमद दोनों को दोजख से पनाह चाहते हैं, उन दोनों को पनाह दे। इमाम अहमद कहते हैं कि रात को एक पर्चा ऊपर से आके गिरा, ऊपर से आसमान से पर्चा गिरा, उसमें बिस्मिल्लाह के बाद लिखा हुआ था हमने मंजूर किया और हमारे यहां और भी नेमतें, ऊपर से आज भी जन्नतों के पर्चे आ रहे हैं, यानी अहमद बिन हम्बल को जन्नत उसकी दुआ से मिली, वो भी पर्चा आया आसमान से, नबियों पे वही आती है, इनका पर्चे आसमान से गिरते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। इस तरह के बड़े वाकयात हैं, मैं वहां उसमें नहीं जाना चाहता। कहते हैं बच्चा होने का दर्द, ये आयते करीमा एक पर्चे पर लिखकर पाक कपड़े में लपेट कर औरत के बाएं रान में यह कुरान की आयत बांध दो, हाँ इंशाअल्लाह ताला बच्चा आसानी से पैदा होगा। और वो आयत क्या है? इज़ समाउन शक्कत वादन रब्बिया वह हुक्कत, और पूरी आयते करीमा है। ये बच्चा पैदा कराने के लिए ये कुरान की आयतें नाजिल हुई थी। बोलो सुनो, नजासत कहते हैं नजासत के ऊपर जो गर्दो गुबार होती है वो भी पाक है। नजासत के ऊपर पैखाना वखाना, उसके ऊपर गुबार उबार पड़े हैं तो पैखाना तो नापाक है, लेकिन वो गुबार क्या है? अब वो पाक होने से क्या कोई क्या करेगा गुबार, ये बताओ। सुनो, नापाक तेल या चर्बी का साबुन बना लिया जाए तो वो पाक है, वो क्या है? पाक है। और बहरहाल मैं मुख्तसर आपको बताना चल रहा हूं, औज़ुबिल्लाह औज़ुबिल्लाह। सुनो, अब ये किसका बयान है भैया? जिन सूरतों में गुसल फर्ज नहीं होता, जिन सूरतों में गुसल फर्ज नहीं होता। कहते हैं अगर कोई मर्द किसी कमसिन औरत के साथ जमा करे तो गुसल फर्ज नहीं होगा, बशर्ते कि मनी न गिरे और वो औरत इस कदर कमसिन हो कि उसके साथ जमा करने में खास इससे, औज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं पढ़ सकता, बस ना समझ लें, ये कहते हैं गुसल फर्ज नहीं होता। अगर कोई मर्द अपने खास हिस्से में कपड़ा लपेट कर जमा करे तो गुसल फर्ज नहीं होगा, औज़ुबिल्लाह। कहते हैं अगर कोई मर्द अपने खास हिस्से का जुज मिकदार सरे हफ्शा से कम दाखिल करे तब भी गुसल फर्ज नहीं होगा, औज़ुबिल्लाह। ये सब मसाइल हैं, गंदे वरिया मसाइल हैं जिनका कोई, अगर कोई मर्द अपना खास हिस्सा किसी औरत या मर्द की नाफ में दाखिल करे और मनी न निकले तो उस पर गुसल फर्ज नहीं होगा, उस पर गुसल फर्ज, ये मसाइल है। कौन सा मर्द किस मर्द के साथ क्या करेगा, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत माजरत के साथ पिकअप है सफेद कलर की, मरकज असलमी तबरीद ले तबरीद उस पर लिखा हुआ है, वो सामने खड़ी है, रॉन्ग पार्किंग है, गेट के सामने है, बराह करम उसको जाके मूव कर लीजिए। सुनो, जब फर्ज नमाज की अगर अजान और इकामत के सुनन और मुस्तहबात, अगर जाहिल आदमी अजान दे तो उसको मुअज्जिनों के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। ओ सुन लो बेचारे, अक्सर बेचारे जाहिली अजान देते हैं, है कि नहीं? कहते हैं मस्जिद के अंदर अजान देना मकरूह तंजीही है। नमाज की शर्तों का बयान, नमाज पढ़ने वाले के जिस्म पर कोई कुत्ता बैठ जाए और उसके मुंह से लुआब नहीं निकलता है तो कोई मुजायका नहीं, नमाज जायज। फिर परवेज मुशर्रफ अगर कुत्ता लेकर बैठता है तो क्यों चिल्लाते हो तुम लोग मौलवी हो, वो तो नमाज नहीं पढ़ता कुत्ता लेके,
पाकिस्तान में कहते हैं एक दफा प्रवीण सो कुत्तों के साथ बैठा हुआ था, तो सारे मौलवी ये कुत्ता लेके आया कादियानी है, अरे वो नमाज या तो नमाज में लेना जायज है, वो तो बेचारा टीवी के ऊपर जाहिर हुआ था कुत्ता लेकर, उसके ऊपर वावेला ये मौलवी जो है करते हैं। सुनो आगे सुनो, बहरहाल ये नमाज वगैरह की बयान में छोड़ करके जरा आगे बढ़ता हूं, और इस सिलसिले में मैं मुख्तसर करते हुए जनाजे के मुतफर्रिक मसाइल, मैयत के कफन पर बगैर रोशनाई के वैसे ही उंगली की हरकत से कोई दुआ मिसल अहदनामा वगैरह के लिखना, या उसके सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पेशानी पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना, यह जायज है, यह क्या है मगर किसी सही हदीस से इसका सबूत नहीं। तो बेटा तुमने लिखा क्यों, तुमने क्यों बनाया? सुनो खैर, ये फिर आगे मैं बढ़ता हूं बालों के और इसका बयान, और उसके बाद हकीम साहब ने इसमें जो पुड़िये बताए हैं वो जोफे बाह के और शहवानियत के, ख्वाहिशात के और औरतों के, और वो गंदे मसाइल जो ताकत और कुव्वत के ताल्लुक से, मैं उन मसाइल को बंद करते हुए, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि हमारी मजलिस में हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, मैं उनको नहीं बता सकता, वो आखिर में वो पुड़िये बताए गए हैं कि कैसे कैसे क्या हो, कैसे कैसे क्या हो। अऊज़ु बिल्लाह, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसको पढ़ के हया और शर्म आती है, वो मैं क्लोज कर रहा हूं उस बाप को, और आप हजरात से आखिर में ये बात कहना चाह रहा हूं कि लोगों, ये बहिश्ती जेवर नहीं, बल्कि बहिश्ती जेवर वो है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, और वो रब का कुरान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को वो पढ़ाओ और पढ़ो, और ऐसी किताबें चौराहे पे रख करके अंगार लगाने के काबिल है जिसके अंदर ऐसी खटिया और भी बातें हैं, मैंने बताया, अकलमंदों के लिए इशारा काफी है, मैं उसको क्लोज कर रहा हूं अल्लाह से दुआ करते हुए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया और इसकी मादरत चाहते हुए, इसके ऊपर तो बड़ी मोटी किताबें लिखी गई हैं, लिखी जा सकती हैं, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में यह तफसीली गुफ्तगु हम आपको बता करके रुख्सत होना चाह रहे हैं, इस नियत और इस इरादे और इस आज़्म के साथ कि लोगों, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह ये दोनों बहिश्ती जेवर हैं, इनको अपनाओ और अपनी बच्चियों को दो, ये किताबें क्लोज करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अब चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।